Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. Despite being the national sport of the country, the due credit and the support hockey deserves seems to be put at the backseat right now. Testimony of this is the bunch of promising hockey players being trained on the footpaths of Indore in the want of a proper hockey ground and the lack thereof. इंडिया में हॉकी का स्कोप तो एक नाम मात्र ही बोला जाएगा, क्योंकि जिस तरह क्रिकेट का अभी सबका बोलबाला चल रहा है तो हॉकी को आज के टाइम में जानता भी नहीं है। आज के टाइम में रणजी प्लेयर को पूरा भारत या पूरी दुनिया जानती है, लेकिन हॉकी के किसी इंटरनेशनल प्लेयर को आज कोई नहीं जानता। और रही बात हमारे ग्राउंड की, तो ग्राउंड पर आप देख ही सकते हैं, हम फुटपाथ पर कर रहे हैं, पास में रोड है जिस पर गाड़ियाँ चलती है। कल कोई दुर्घटना हो जाएगी तो उनके माँ बाप हमारे ऊपर आएंगे कि आपके मार्गदर्शन में हमारा लड़का गया था लेकिन उसके साथ ये दुर्घटना घटी, तो आप इसके जिम्मेवार हैं। प्रशासन को बोलने के बाद भी कि हमें ग्राउंड प्रोवाइड कराया जाए, अभी तक ग्राउंड नहीं मिला। What makes this stand out is the fact that these 125 plus stick wielding boys and girls are being trained on the footpaths outside the district jail and Delhi College by none other than the goalkeeper turned coach Meer Ranjan Negi, who inspired the making of Shahrukh Khan's starter Bollywood hit Chak De India in 2007. Hockey club बहुत पुराना है और ये वो club है जहाँ से मैंने अपने hockey career की शुरुआत की। और मुझे याद है वहाँ पर 100 लोग करीब करीब सुबह आते थे और 100 लोग शाम को आते थे, और मैदान बहुत अच्छा था, फैसिलिटीज़ थी कम से कम खेलने की, लेकिन धीरे धीरे करके वो मैदान हमसे छीन गया। गरीब तबकों का इलाका है और यहाँ से बच्चे जो हैं ना एक सपना देखते हैं, दे वॉन्ट टू अचीव समथिंग इन लाइफ, और वहाँ से वो हॉकी के माध्यम से ऊपर आना चाहते हैं, है ना, दे वॉन्ट टू मेक अ कैरियर आउट ऑफ इट इनफैक्ट, और अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। लेकिन ये हमारा फ़र्ज है कि हम उनको एक मौका दें, है ना, और वो मौका हम दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि मैदान ही नहीं। भोपाल जैसे शहर में 4 एस्ट्रोटर्फ हैं और भी छोटी छोटी जगह हैं जहाँ पर एस्ट्रोटर्फ कर देते हैं। आजकल मॉडर्न हॉकी जितनी भी है वो सब एस्ट्रोटर्फ पे हो रही है, और इंदौर जो है खेल की नगरी है, यहाँ के लोग इतने पुण्य का काम करते हैं, एक एस्ट्रोटर्फ नहीं बनवा सकते। दैट इज़ वेरी सैड। Having worked tirelessly as part of the Indian coaching team to bring laurels to the nation, Negi, who hails from Indore himself, now stands to get these budding sportspersons the facilities and training they need against all odds. He moved from Mumbai a year back after retiring and has been providing coaching on the footpaths since the last several months to these young boys and girls associated with the Prakash Club. This is the same club with which he began his hockey career decades back. However, the administration has now taken away the hockey field from these players 3 years ago. ऐसे करीब 120 बच्चे करीब हमारे पास गर्ल्स बॉयज आते हैं, और हम लोग पिछले कैंप में करीब नेगी भाई के बॉम्बे से आने के बाद इनके कारण और लोकप्रियता बढ़ी बच्चों में, क्या नेगी सर सिखाने आते हैं तो कब तमाम बच्चे आ जाते थे, और काफ़ी यहाँ से वहाँ तक आपको खेलते खेलते दिखेंगे बच्चे। बाकी यहाँ डर भी बना रहता है कि रोड पर से गाड़ियाँ बहुत फास्ट निकलती हैं और Club Secretary Devki Nandan Silavat opined that if these circumstances continue to prevail, it's going to be a struggle to keep the national sport alive. These people also went on to discuss with the corporation regarding the closure of the club, but the officials said that due to lack of sufficient funds, the construction work was not catching up. Silavat also believes that immediate action is key. हॉकी को किसी ने प्रोत्साहन स्वरूप आज तक कोई ऐसा मार्गदर्शक और ऐसी संस्था नहीं मिली है जिसने उस संस्था को गोद लेके हॉकी को बढ़ाने का प्रयास किया हो। हॉकी का तो बहुत अच्छा मैदान था, 80-85 साल पुराना मैदान जो कि प्रकाश क्लब हॉकी के नाम से जाना जाता है और जाना जाता रहेगा। वहाँ पे जो भी गतिविधि संचालित हो रही है उस गतिविधि को तो अभी आने वाली 20 वर्षों तक कोई पहचानेगा ही नहीं, और प्रकाश क्लब को जब तक तुलसी सिलावट जी हैं, अशोक यादव जी हैं, मीर रंजन नेगी जी हैं और उसके साथ साथ ये बच्चे खेलने वाले हैं, इनको तकलीफ नहीं होगी किसी भी प्रकार की। हम प्रयास कर रहे हैं कि कहीं आसपास हॉकी का मैदान हमें पुनः मिले और हम उसको कुछ दर पे भी खरीदने को जमीन तैयार है। शासन प्रशासन से हमारी लगातार बात चल रही है और जो भी सफलता होगी वो आपके सामने आएगी और बच्चे आपके सामने खेल ही रहे हैं। सो मेनी स्टार प्लेयर्स हैव ग्रोन फ्रॉम हियर ओवर द इयर्स, but these players of today who are shaping up for tomorrow run the risk of safety while practicing on the roads. They have also been provided with kits and dietary food along with free training.
मैं जब से आता हूँ और हमारे जो बड़े हैं उनको देख देख के जितना उन्होंने खेला है उन्हीं से हम इंस्पायर होते हैं। हमारे जो कोच हैं जिनको हम प्यार से काका बोलते हैं, अशोक यादव जी, नेगी सर और जितने भी हमारे बड़े आते हैं, उन सबसे इंस्पायर होकर हम होता है हमारे। ऐसे कोई हमको मतलब अभी उनको उन्होंने फील नहीं करवाया कि हम अकेले हैं, हमेशा उनके हमसे मिलता रहता है उनसे सब कुछ। मीर रंजन नेगी, द मैन बिहाइंड दिस नोबल एफर्ट हु वेंट ऑन टू गेन फेम एंड has now come back to the roots to make a difference, has given them the real push. But what is also very, very necessary is that these talented players who will go on to represent the country tomorrow need to get the assistance, support or a ground to practice on at the very least. With Hemant Sharma, Vibhavi Madhava for Mojo Story.